हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन करेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपने कुछ एक्सपीरियंस के बारे में जो मुझे वुल्फ के साथ मिले हैं। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये एक ऐसा स्विच वर्ड है, जब भी आप इसको पूरे दिल से चैंट करना स्टार्ट करते हैं तो ये अपना मैजिक ज़रूर दिखाता है। तो कुछ अपने एक्सपीरियंस मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। छोटी छोटी चीज़ें भी हुई, थोड़ी सी बड़ी चीज़ें भी हुई। जहाँ जहाँ मैंने हेल्प मांगी है वुल्फ से, वहाँ वहाँ मेरी हेल्प की गई है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत यकीन है मुझे कि मैं जब भी उनको पुकारूंगी मेरी मदद के लिए, वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो मैं एक ब्रीफ में बता देती हूँ कि वुल्फ एक स्प्रिट गाइड है, एक एनिमल स्प्रिट गाइड है। और किसी भी तरीके की सिचुएशन में अगर आप स्टक हो जाते हैं, आप जब भी उनसे हेल्प मांगते हैं, आपकी हेल्प के लिए वो ज़रूर आते हैं। और आपको सिर्फ उनको बुलाना है और उनकी चैंटिंग स्टार्ट कर देनी है, जो कि है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। तो जो जो पॉइंट्स मुझे याद आते जाएंगे, क्योंकि मैंने कहीं लिखे नहीं है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे सर में बहुत दर्द था और मुझे कॉफ़ी की बहुत नीड थी। और मैं पता नहीं आपको फ़नी ना लगेगी क्या बोल रही है, लेकिन हाँ, मुझे जब ज़रूरत हुई मैंने उनको बुलाया, और जब मैंने उनको बुलाया उनका मैजिक मुझे दिखा, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो मुझे कॉफ़ी की नीड थी और मेरे घर में कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी। मैं सैशे मंगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि बारिश में वो ठीक भी रहता है, वो ख़राब नहीं होते हैं। और जितना मुझे चाहिए होता है, मुझे पता होता है इतनी क्वांटिटी मुझे चाहिए, और वो चीज़ मैं मेरा परफेक्ट जो कॉफ़ी है वो रेडी हो जाती है, एक कप कॉफ़ी उसमें। तो अब क्या हुआ, मैं बहुत दिन से ख़त्म हो गए होंगे और यूज़ कर रही थी, तो मुझे पता नहीं चला कि ख़त्म होगा। मेरे सर में था बहुत दर्द, मेरे आसपास कोई शॉप नहीं थी, एक शॉप थी जो कि बंद थी। अब मैं परेशान, क्योंकि एक जगह पर मैं रखती हूँ सारे कॉफ़ी के सैशे, और मैं परेशान हो गई कि भाई अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से ढूँढूँ, मतलब कॉफ़ी कहाँ से लूँ, मार्केट नहीं है आसपास, या मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर पास में मैं जाऊँ तो मेरे सर में इतना दर्द है, मैं जा नहीं सकती। मुझे तलब लग रही थी कॉफ़ी की उस वक्त, बहुत नीड थी। अब मैंने कहा कॉफ़ी तो है नहीं, और मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी से मांगूँ या अपने नेबर से मांगूँ कि भाई मुझे कॉफ़ी दे दो। तो फिर मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, बुला लेते हैं। ये प्रॉब्लम में हूँ ना, मैं हेडेक हो रहा है, मुझे नीड है। तो मैंने बोला वुल्फ प्लीज़ मेरी हेल्प करो, कहीं से मुझे कॉफ़ी ला दो प्लीज़। तो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ मैं करती गई, और मैं अपना काम कर रही थी और कुछ बैग्स वगैरह लगा रही थी, और अचानक मेरा हाथ, ये मैं चैंट करती जा रही थी, मेरा हाथ एक जगह पड़ा जहाँ पर मेरे हाथ में कॉफ़ी के दो सैशे आ गए। और ये वो सैशे थे जो मैंने अपने ट्रेवल बैग में रखे हुए थे, कहीं हम ट्रेवल कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने ये सैशे रखे थे, जिसका मुझे पता नहीं था। तो वो अचानक मेरे हाथ में आ गए, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा वाह यार वुल्फ, आप तो कमाल हो, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, और उसके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द था, तकलीफ़ थी। तो दांत का दर्द कैसा होता है आप सब समझ सकते हैं, जिसको भी इस तकलीफ़ से जो भी गुजरा होगा वो जानता है कि सारे खानदान के लोग याद आ जाते हैं इस दर्द में। तो उसको बहुत ज़्यादा पेन था, 2-3 दिन हो गए। उसने मुझे तीसरे दिन बताया कि मुझे 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा पेन है। तो क्योंकि मेरी आदत है कि अगर मुझे लगता है कि किसी को मैं किसी की मैं हेल्प कर पाऊँ तो मैं करूँ, तो मैं उसको अपने नुस्खे बता देती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आप वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ अपने लेफ़्ट हैंड पे लिख लो और उसको चैंट करना शुरू कर दो। लेकिन वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, मुझे मालूम है उसने कुछ नहीं किया होगा। तो मैंने ही उसके लिए चैंट करना शुरू किया। मैंने कहा वुल्फ प्लीज़ मेरे फ्रेंड का दांत में बहुत पेन है, बेचारा बहुत परेशान है, आप उसका पेन ठीक कर दीजिए। एंड मैंने उनके लिए, अपने फ्रेंड के लिए, वो चैंट करना स्टार्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने मुझे खुद मैसेज किया कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया है, थैंक यू सो मच। और शायद वो जानते थे कि मैं उनके लिए कर रही हूँ, पर ठीक है, मैंने थैंक यू बोला वुल्फ को और ये मेरा काम हो गया। अब नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ छोटा सा कि
मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था और मुझे कुछ बहुत अर्जेंट काम करना था, बहुत ही ज़रूरी काम करना था, और मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा था। मैं परेशान हो गई, मैं क्या करूँ, मतलब मुझे लग रहा था गए काम से, मेरा काम ही नहीं हो पाएगा, बिल्कुल रोना निकल गया था। और उस वक्त याद आए, वुल्फ चैंट करना स्टार्ट किया और मुझे खुद नहीं पता चलता है कि कैसे मैजिक होता है, मतलब तुरंत की तुरंत मोबाइल स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट होना था कि वुल्फ के मैजिक से हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में तो ये मैसेज किया ना कि मैंने जैसे ही चैंट किया और वो चीज़ हो गई। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे हैं, एक दो और शेयर कर देती हूँ। मैं अभी हाल ही में शिमला के आसपास गई थी, हिमाचल घूमने गई थी, तो जब वहाँ से हम लौट रहे थे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, लैंडस्लाइड हो रही थी क्योंकि बारिश का मौसम है, तो मैं थोड़ी सी घबरा गई थी कि हम बहुत लेट हो जाएंगे घर, और लेट नाइट पहाड़ों पर ट्रैवलिंग से बड़ा डर लगता है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी का, गाड़ी चलाने का। तो फिर मैंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया कि भाई इस जाम को हटाओ, ये ट्रैफिक को हटाओ, प्लीज़ वुल्फ मदद करो ताकि हम टाइम से घर पहुंच पाए। तो जो चीज़ उम्मीद नहीं लग रही थी, जहां लग रहा था कि 3-4 घंटे का जाम है और सबने बोल दिया था कि 3-4 घंटे से पहले कुछ नहीं होगा क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया है, लेकिन चैंटिंग करनी जारी रखी और इतनी जल्दी मतलब वो चीज़ हो गई, ट्रैफिक भी हट गया, सारी चीज़ें हो गई स्मूथली, हम घर आ गए, टाइम से घर आ गए, तो वो चीज़ हुई। अब एक बड़ी चीज़ बताती हूँ, लास्ट के लिए रखी थी मैंने, जो हाल फिलहाल मेरे साथ हुई, कि आप अगर मेरा वीडियो देखते होंगे ना तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पिछले कुछ वीडियोस से मैंने यहाँ पर मैं चेन पहनती थी अपने गले में, मैंने चेन नहीं डाली हुई है, तो इसके पीछे भी एक राज एक बात यह है कि ये चेन मैं 2 बार खो चुकी हूँ, ठीक है। इससे पहले भी मेरे पास एक बहुत अच्छी चेन थी, मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट दी थी और वो मैंने खो दी थी, तब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह नहीं जानती थी, नहीं तो मैं शायद वो भी हासिल कर लेती। तो इस बार भी क्या हुआ, मेरी मम्मी ने ही वो चीज़ मुझे दी थी जो मैं हमेशा पहनती हूँ, और मैं मार्केट से आई और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अपने काम में लगी, अचानक हमारी आदत होती है ना अपने गले में हाथ डालते हैं, देखते रहते हैं क्या है, चेन नहीं थी और मैं परेशान हो गई क्योंकि मेरे पास एक ही चेन थी, एक मैं पहले ही खो चुकी थी। मैंने कहा मेरी चेन कहाँ गई, मतलब मेरा रोना निकल गया और मेरी चेन नहीं मिली, परेशान हो गई थी मैं क्योंकि एकदम से समझ में नहीं आता ना कि आप वुल्फ की हेल्प ले लो या कुछ कर लो, एकदम से तो रोना निकलता है, कहाँ गई यार इतनी महंगी चीज़ है। लेकिन फिर मैंने अपने आप को काम डाउन किया और वुल्फ की हेल्प ली। मैं सिर्फ ये करती हूँ, आंखें बंद करती हूँ और मैं सिर्फ बुलाती हूँ, वुल्फ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, ठीक है, और चैंट करना स्टार्ट कर देती हूँ। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 2 घंटे तक ढूंढ चुकी थी, घर पे ही ढूंढ सकती थी क्योंकि मार्केट तो इतना लंबा, कहाँ कहाँ होकर आई हूँ मुझे नहीं मालूम, मैं कहाँ तक देखती, तो थोड़ा बहुत ही घर के आसपास देखा, नहीं मिली थी। लेकिन जब मैंने चैंट करना शुरू किया, 10 मिनट, मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं होंगे, और मेरे हाथ में चेन और उसका जो लॉकेट था वो अलग गिरा हुआ था, वो भी मुझे मिल गया, वो दोनों चीज़ मुझे मिल गई। मैंने फिर थैंक यू बोला वुल्फ को एंड फिर मैंने रख दिया और फिर मैंने दोबारा पहना उसको, लेकिन दोबारा वो चीज़ हुई मेरे साथ, घर पर ही दोबारा वो चेन गिर गई एंड फिर से मैंने चैन किया, फिर से मुझे मिल गया, और उसके बाद मैंने अभी तक रख दिया और हिम्मत नहीं की दोबारा पहनने की, डर लगता है कि यार दोबारा ना गिर जाए। चलो तो ये चीज़ मेरे साथ हुई, तो मैं ये बोलूँगी कि मैंने, हो सकता है आपको लग रहा हो कि छोटी चीज़ों के लिए हेल्प मांगी, अगर मुझे भरोसा है अगर मैं किसी बड़ी चीज़ के लिए भी वुल्फ की हेल्प मांगूंगी ना तो मेरी हेल्प के लिए वो ज़रूर आएगी। तो इस विश्वास के दम पर वो चीज़ें, वो एनर्जी आपके लिए काम करती है, जब आप विश्वास करते हो कि यस वो आपके लिए काम करेंगे। तो ये छोटे बड़े जो भी एक्सपीरियंस थे वो मेरे एक्सपीरियंस थे, लेकिन आप जब भी किसी मुसीबत में हैं, जब भी किसी सिचुएशन में स्टक हैं, कोई चीज़ आपकी खो गई है, कोई भी परेशानी है, आप वुल्फ को बुलाइए, दिल से बुलाइए और इस विश्वास के साथ बुलाइए कि वो आपके लिए आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। उनकी चैंटिंग करना स्टार्ट कीजिए और देखिए कैसे मैजिक होगा, और डेफिनेटली होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।